राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर व जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए उम्मीदवारों की पात्रता तय की जाती है। राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में हर साल लाखों अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। दिसंबर 2021 और जून 2022 के सम्मिलित सत्र के लिए यूजीसी नेट अधिसूचना के साथ साथ यूजीसी नेट आवेदन पत्र 30 अप्रैल को जारी किया गया। यूजीसी नेट 2022 के लिए कुछ नए बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में अहम पहलुओं के साथ साथ नए बदलावों की भी जानकारी दी जाएगी। यूजीसी नेट 2022 के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूजीसी नेट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है? यूजीसी नेट जून 2022 और दिसंबर 2021 सत्र के लिए यूजीसी द्वारा 30 अप्रैल 2022 को अधिसूचना के साथ साथ आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। यूजीसी नेट आवेदन पत्र को भरने की अंतिम तिथि 20 मई है। 21 मई से लेकर 23 मई के बीच आवेदन पत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए करेक्शन विंडो की सुविधा दी जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा पात्रता मानदंड। यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या यूजीसी नेट परीक्षा के लिए जरूरी पात्रता है। यूजीसी नेट 2022 पात्रता मानदंड के अनुसार यूजीसी नेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बिना राउंड ऑफ किए कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर्स या उसके समकक्ष डिग्री हो। वहीं आरक्षित वर्ग से होने पर उनके लिए मास्टर्स या उसके समकक्ष डिग्री में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन देने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं की गई है, जबकि JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप का आवेदन देने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र परीक्षा आयोजित होने वाले महीने की पहली तारीख तक 31 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यूजीसी नेट परीक्षा पैटर्न। यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस परीक्षा में उम्मीदवारों को दो अलग अलग पेपर देने होते हैं। यूजीसी नेट पेपर एक में पूछे जाने वाले प्रश्न तर्क क्षमता, पढ़ी गई चीज को समझने, अलग सोच और सामान्य जागरूकता से संबंधित होते हैं और इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 50 होती है। वहीं यूजीसी नेट पेपर दो में उपलब्ध वैकल्पिक विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यूजीसी नेट में नया क्या बदला है? इस बार विषयों की सूची में हिंदू स्टडीज को भी शामिल किया गया है, जिसकी वजह से विषयों की संख्या 82 हो गई है। हिंदू स्टडीज विषय की कोर संख्या 102 है। परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है और अब यह संख्या बढ़कर 541 हो गई है, जो कि गत वर्ष 224 ही थी। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यूजीसी नेट 2022 से जुड़ी उपयोगी जानकारी मिली होगी। यूजीसी नेट 2022 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।